नमस्कार साथियों, दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो उपाय बताने जा रहा हूं। हमारा पहला उपाय है, जिस परिवार में पति पत्नी में तालमेल कम खाता है, उनमें हर समय लड़ाई झगड़ा होता है, तो पति पत्नी के रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए हमारा पहला उपाय है। और दूसरा उपाय है, पति पत्नी में से किसी एक का भी अगर करेक्टर लूज है तो उस संबंध को दुरुस्त करने के लिए हमारा दूसरा उपाय है। तो दोस्तों, दोनों उपाय हमारे बहुत ही दमदार हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको सीधे उपाय बताता हूँ। दोस्तों, पति पत्नी में तालमेल न खाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पति पत्नी के विचार न मिलना, या पति पत्नी में से किसी एक का करेक्टर लूज होना, या बुद्धि का विकास न होना। तो दोस्तों, अगर आपका पति किसी गैर महिला के साथ संबंध रखता है, या आपकी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ संबंध रखती है, जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो पति पत्नी के रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए हमारा यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसमें जो हम उपाय बता रहे हैं, आप इसे करके पति पत्नी में रिलेशन मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी गुरुवार के दिन नहा धोकर दो अगरबत्ती लें और अगरबत्ती को जलाकर जमीन पर बैठ जाएं। दोस्तों, अगरबत्ती को जलाते वक्त आपको या गौरा पार्वती इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। 21 बार इस मंत्र का जाप करके अगरबत्ती को जमीन पर ही कहीं लगा दें। दोस्तों, जब अगरबत्ती जलकर राख हो जाए तो उस राख को आप किसी कागज में इकट्ठा कर लें और उस राख में उस राख के बराबर ही कामिया सिंदूर मिला लें। अब आपकी भभूति बनकर तैयार हो गई। दोस्तों, जब रात को सोने का समय हो, बेड पर या चारपाई पर आप सोते हों, तो जिस साइट में आपका पति या आपकी पत्नी सोती हो, तो इस भभूति को उस साइट में हल्का हल्का सा बिस्तर पर डाल दें। और दोस्तों, विषय भोग करते वक्त आप इस भभूति को उसके गुप्तांग पर भी लगा सकते हैं और यह बहुत ही कारगर और रामबाण उपाय है। आप इस उपाय को करके अपने रिलेशन को मजबूत बना सकते हैं। और दोस्तों, इसका दूसरा उपाय है, उसे भी आप ध्यान से समझ लें। आपके पति या पत्नी के नाम में जितने भी अक्षर हों, उतनी ही इलायची लें और उन इलायची को अपने पूरे शरीर से स्पर्श करते हुए और 7 बार उतारें। 7 बार उतार कर और उन्हें बारीक करके पीस लें और आप किसी खाने में, चाय में, दूध में या सब्जी में डालकर शुक्रवार और शनिवार को खिलाएं, जिससे पति पत्नी में प्यार बढ़ता है और दोस्तों, पति पत्नी का रिलेशन बहुत मजबूत हो जाता है। और हमारा तीसरा उपाय यह है, अगर आपका पति किसी गैर महिला से संबंध रखता है या आपकी पत्नी गैर पुरुष के साथ नाजायज संबंध रखती है, तो उसके लिए हम जो उपाय बता रहे हैं, आप उस उपाय को अवश्य करें। उसके लिए आप एक बेदाग नींबू लेकर आएं और नींबू को दो भाग में काट लें और जिस महिला के साथ या जिस पुरुष के साथ उसके नाजायज संबंध हैं, उसके बाएं पैर की धूल को किसी तरह से प्राप्त कर लें। उस धूल को आप नींबू में डाल लें और डालकर उस नींबू को कहीं जंगल में ले जाएं और जंगल में ले जाकर आप अपनी पैर की एड़ी से कुचल दें। फिर दोनों टुकड़ों को उठाकर आपके अंदर जितनी भी ताकत है
उतनी ताकत से एक टुकड़ा दक्षिण दिशा में और एक टुकड़ा उत्तर दिशा में फेंक दें। दोस्तों इससे आपका पति या आपकी पत्नी, जो उसका नाजायज संबंध चल रहा है, वहाँ से वो अलग अलग हो जाएंगे और पति पत्नी में प्यार बढ़ने लगेगा। दोस्तों हमारे यह तीनों टोटका बहुत ही कारगर और बहुत ही रामबा टोटके हैं। इनको करके आप अपने रिलेशन को मजबूत जरूर बनाएं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।